ये चुनाव प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव, कांग्रेस की जो स्थिति है वो कांग्रेस अभी तक 10 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं तय कर सकता। फरीदाबाद में उम्मीदवार तय किया था, उसको बदलना पड़ रहा है। उनकी टिकट पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। सारे राजनीतिक दल हम सरसा में खड़े हैं, चौधरी देवीलाल का ये स्थान है, आजित चौटाला चौधरी देवीलाल का होनहार पोता है। आज यहाँ देखिए ना, वो कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल बीजेपी का, चौधरी देवीलाल का बार बार संगठन रहा, 77 में रहा, 87 में रहा, 96 में रहा, परंतु उन्होंने कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज उनके जो पुत्र लोग हैं वो कांग्रेस से मिल रहे हैं, वो केजरीवाल से मिल रहे हैं, और सारे मिलकर के 0+0=0 भारतीय जनता पार्टी यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। वीके सिंह क्योंकि भिवाणी के हैं, वो गाजियाबाद से जीत रहे हैं, 357 के आसपास। नरेंद्र भाई मोदी भारी बहुमत के बाद और इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और कश्मीर के मुद्दे पर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात कही गई है, उससे देश को बड़ी एक चिंता हो रही है। इस समय देशभक्ति का ज्वार है, और कांग्रेस अपने कुकर्मों से, कांग्रेस ने ये जो बात कही है ये पूरे देश का अपमान किया है कि हम 370 को हम हटने नहीं देंगे। मतलब वो तो वो बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के घोषणा पत्र के ऊपर पाकिस्तान में ताली बज रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण जो लोग मांगते हैं, 2009 में 26/11 को ताज होटल में 362 लोग मारे थे ना भाई, 6 महीने 8 महीने कोई कार्रवाई नहीं हुई। उड़ी में सेना की छावनी पर हमला हुआ, 15वें दिन जा करके 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करके 180 लोग मार के आ गए उड़ी में। उसके बाद पुलवामा में हुआ, इमरान खान के जिले में बालाकोट में जाके 3:22 पर सर हरियाणा। और आज भी वो प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री, 2 दिन पहले कठुआ में पाकिस्तान के लोगों को कहता है कि तीसरी गलती मत कर देना, चुनाव उनाव की चिंता नहीं है मुझे, इस बार झंडा लाहौर में गाड़ देंगे। सर हरियाणा में पिछले कई दिनों से कांटा निकालने की राजनीति, तो इस बार नहीं, जींद जींद हरियाणा, इस बार सारे कांडे काट देंगे। जींद का कांटा